भैंस की। गगन जी डिटेल बताते जाइए भाई, क्या डिटेल है इसकी? भाई साहब दूसरे ब्यांत में बच्चा देना है। दूसरे ब्यांत में ब्याहने वाली है? हाँ जी। कितना समय पेंडिंग है भाई अभी? भाई साहब इसके 3 मंथ पड़े हैं अभी, 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है। 7.5 महीने की गैपिन है। हाँ जी हाँ जी। गगन जी चेक पास? बिल्कुल बिल्कुल जी, चेक पास है और चेक पास आगे भी करवा ले ब्यांत में भाई साहब। और अभी परसों की रात की जनी हुई है। हाँ जी ठीक है। और जो कच्चा दूध निकालने वाला वो है अभी 15-15.5 लीटर के करीब। अच्छा जी। हाँ जी। अडर की शेप बहुत ही शानदार गगन जी, जितनी अडर की तारीफ की जाए उतनी। कितना परफेक्ट अडर साइज, मिल्क वेन कितनी शानदार, और पीछे से अडर की क्वालिटी देखिए कितनी परफेक्ट है। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब दूसरे ब्यांत में 4 दांत में है। 4 ही दांत है जी? बिल्कुल। बछड़ी आप लोगों के सामने है, पहले तो ब्रीड क्वालिटी देखिए, कद काठ रंग रूप कितना शानदार, और आगे की डिटेल जो है वो गगन जी से जानते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो प्रेमी डेयरी फार्म से, गगन भाई के फार्म से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। प्रॉपर एड्रेस गांव राजपुरा माजरा, तहसील मंडी डबवाली और डिस्ट्रिक्ट सिरसा, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेटों के बॉर्डर का ये एरिया, और रूटीन में वीडियोज़ भाई सबके घर से आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो। हर बार की तरह आज फिर से ओवरव्यू देखिए, आज की वीडियो में ज़्यादा गाय आप लोगों को दिखाने वाले हैं। टोटल 20 गाय यहाँ से सेल होकर औरंगाबाद महाराष्ट्र के लिए जाएंगी, और उसके अलावा काफ़ी भैंसें आप लोगों को एक बार इधर दिखा देना चाहता हूँ जी। भैंसें भी सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के फार्म पर पहुँची हुई हैं, और दूसरी नौरे में रुकी हुई हैं कुछ गाय, जिनमें से 8-10 गाय सेल के लिए अवेलेबल भी रहेंगी। ऑलराउंडर वाला काम है, सभी तरह की क्वालिटी, चाहे तो वो गायों में हो चाहे वो भैंसों में हो, सभी तरह के एनिमल आप लोगों के लिए सेल के लिए अवेलेबल भी गगन जी के फार्म पर रहते हैं। और अच्छी अच्छी ब्रीडेड बछड़ियाँ, जैसे आप लोग जो सामने देख रहे हो ऐसी बछड़ियाँ, कोई गैबिन बछड़ियाँ खरीदना चाहता है तो वो भी मिल जाती हैं। आगे की जो डिटेल बातचीत वो गगन जी के साथ करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। राम राम जी। राम राम। कैसे हो गगन भाई? बहुत बढ़िया, कृपा है भगवान की। बहुत अच्छी बात है। और काम काज, घर परिवार कैसा है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्र है परमात्मा का जो दिन गुजर रहे हैं। हाँ जी बढ़िया बात है जी। और वो बात है ना जी, अगर हम खुद अच्छे हैं तो आगे से भी भाई अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काम अच्छे तरीके से करेंगे बिल्कुल तो आगे भी अच्छा ही सब कुछ चलता है। बस काम चल रहा है बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है आगे। जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, काम भी आगे भी बढ़िया ही हो रहा है जी। अच्छी बात है। तो गगन जी प्रॉपर एड्रेस एक बार और कॉन्टैक्ट नंबर पहले बता दीजिए। प्रॉपर एड्रेस विलेज राजपुरा माजरा, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है जी। हाँ जी। हाँ जी। और भाई कॉन्टैक्ट नंबर जी? कॉन्टैक्ट नंबर 9466028782। ओके गगन जी, आज टोटल कितनी गाय भाई सेल करके पहले तो भेज रहे हो जी? ऐसा टोटल गायें 21-22 जा रही हैं। गायें 21-22 गाय? हाँ जी हाँ जी। दोनों की दोनों गाड़ियां ही महाराष्ट्र के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक ही गैरेज है, अलग अलग है भाई? नहीं नहीं अलग अलग है, एक तो अभी 5वीं बार आ गए। अच्छा जी ठीक है, एक अभी फर्स्ट बार आए हैं पहली बार। अच्छी बात है। हाँ जी। और भाई जैसे मैं देख रहा हूँ गाय सभी की सभी अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल जी। HF क्रॉस ब्रीड, अच्छे अच्छे अडर साइज वाली अच्छी अच्छी गाय, बड़ी बड़ी गाय भेज रहे हो। बिल्कुल। कितनी की दूध की एवरेज है भाई? भाई साहब यहाँ से तो वही बात, अब ये इन्होंने प्रेग्नेंट ली है लगभग ये 7-8 मंथ की प्रेग्नेंट है ये, तो अभी यहाँ से जो इनका निकला वो दूध है वो तो अब 20+ का ही है। हाँ ठीक है। आगे लेकिन जब तैयार होने वाली है गायें तो इसलिए हम दूध के लिए भेज रहे हैं। पहले इनके पास ताज़ा जनी हुई गायें गई थी, उनका थोड़ा सा फीडबैक अच्छा नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद गायें का वहाँ थोड़ा सा देख रेख और खाने खिलाने में कमी की वजह से अब जो इन्होंने 3-4 गायें हैं वो जनी हुई ली है, बाकी सब 5-6-7-8 मंथ की प्रेग्नेंट ली है, क्योंकि वो जाके वहाँ पे टिक जाएंगी। गगन जी आगे के लिए बात आपकी बीच में, एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने पहले वाली गायों के बारे में खुद ही बता दिया कि भाइयों को पहले वाली गाय ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा अच्छा है तो फिर भी कस्टमर आपके पास दोबारा है। भाई साहब ये पीछे की बात है, वो तो कोई बताता ही नहीं है, इधर से तो कुछ भी लगा लो बड़ा दिखा दो, बाद का फीडबैक आता वो तो समय लगता है। अब जहाँ से गाय गई इसको तैयार होते होते वहाँ 1 साल लग जाएगा। हाँ जी। कम से कम 5 महीने तो चाहिए। सही। ये जनी हुई गाय है, इनका थोड़ा सा खाने खिलाने का और रास्ते का जो सिस्टम रहता है ना वो हमको भी मालूम है। हम यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं ना गाड़ी के पीछे बैठ के तो बुरा हाल हो जाता है। 1700-1800 किलोमीटर का जो रनिंग का समय है और वो भी जनी हुई गाय, बहुत मुश्किल हो जाती सर। इसलिए हमारी तरफ से तो भाई कोशिश यही है, समझाया है कम से कम 5-6 मंथ की प्रेग्नेंट है जो आपके वहाँ जाके टिक जाएगी और आगे आने वाला रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने लगा है। ये तो ऐसा काम तो नहीं है
कि एक साल चलने वाला है। दूध को सभी की जरूरत रहती है, आने वाला समय ही है, जो पहले हरित क्रांति आई है अब दूध की क्रांति आने वाली है। अब देखो पैदावार दूध की है जो बिल्कुल ही कम है, लोकल का नजरिया मारे तो मेरे बगल में कम से कम 20 घर हैं और 20 घर के पास दो घर में जानवर है, पशु है, सही है, और 18 घर है जो नकली दूध पीते हैं इधर मेरे लोकल में हरियाणा में। तो ऐसा हर जगह है, इनके भी यही फंडा उधर भी, इसलिए ये जानवर यहाँ से परचेज करके वहाँ अपना बढ़िया दूध का कारोबार, और ये दूध का कारोबार ही है वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफे वाला धंधा ये। अच्छी बात है। और गगन जी आज गाय और भैंसे सेल के लिए कितनी है भाई? भाई साहब 5-6 भैंस है जो अपने पास सेल के लिए है, और 2-3 गायें हैं वो उधर हैं, और 3-4 गायें अभी और आ जाएंगी। वो अपने पास आज दिख नहीं रहे, वो खरीदारी करने के लिए गए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, वो खरीदारी, वो अंकल एक साथ में गए हैं। अच्छा, एक दो गाय इनकी भी कम बैठ रही हैं इसके लिए, और कुछ अपने भी दूध के लिए रोक रखी थी, अंकल गए हुए हैं बाहर देखने को। बढ़िया बात। हाँ जी, तो जो भाइयों की आज जा रही है 21-22 टोटल गाय जी, इनके दूध की एवरेज तो आपने बता दी, बिल्कुल दाम की एवरेज भाई कितनी पड़ी? दाम भाई साहब इनका लगभग ये है जो बछड़ी ली है इन्होंने पहले ब्यांत में, जिसको हम एफर बोल देते हैं, 5-6 मंथ की प्रेग्नेंट है, इनका लगभग 50,000 के समथिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा 90-95,000 तक का दाम रहा है जी। और इनका टोटल करें जो जनी हुई गायें हैं उनका 75-80 का रहा है, और जो जो बछड़ी है इनका 55 का रहा है जी। एवरेज पड़ी है। हाँ जी हाँ जी। चलो अच्छी बात है। एक बात और पूछना चाहूंगा जी, कल रविवार का दिन गुजर के गया, पशु मंडी डब वाली अपनी लगी थी, बिल्कुल कस्टमर कैसा था? कस्टमर बहुत बढ़िया था जी। बढ़िया था। भैंस के लिए तो जो आता है ना, भैंस की आपकी चैनल पे वीडियो बहुत कम डालता हूँ जी मैं। हाँ जी। भैंस का आता है वो चला जाता है, रात की लोडिंग थी वो कर दी, वो बाजार से लिया जानवर, भैंस का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए भैंस का जो भी आता है घर पे भी रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहता है। जो भैंस का धंधा है जो भी लेते हैं स्टेट्स लगता है, वो कोई ना कोई लोकल में बठिंडा दिल्ली के लिए लुधियाना के लिए वो चली जाती है, एक दो चलती रहती है हर रोज़। ओके, तो गगन जी फिर समय काफी हो गया बातचीत करते जी। बिल्कुल। एक एक करके सिलेक्टेड से एनिमल चलाते हैं, जो कस्टमर का रिव्यू है वो वीडियो के अंत में शेयर। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी होगी जी, इससे आगे सिलेक्टेड एनिमल आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे, और पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। गगन जी डिटेल बताते जाए, पहले ब्यांत में भाई साहब, और अभी परसों की रात की जनी हुई है। हाँ जी ठीक है। और जो कच्चा दूध निकालने वाला वो है अभी 15-15.5 लीटर के करीब। अच्छा जी। हाँ जी। अडर की शेप बहुत ही शानदार गगन जी, जितनी अडर की तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल भाई, ये थोड़ा क्रॉस में है लेकिन दूध के लिए बढ़िया रहने वाली है। हाँ जी। और एक नंबर की गाय है, इसका लेग स्कोर है, जो अडर का गैप है बहुत शानदार है भाई साहब। सही बात है जी। हाँ जी गगन जी, कितने दूध पर चली जाएगी, घुमाते रहिए दूध भाई। पहले ब्यांत में 18-20 लीटर तो आराम से जाएगी भाई साहब। क्या दाम में दी गई है भाई? दाम भाई 75 की दी गई है। 75 75,000 की दोस्तों दी गई है। सबसे खास बात, आप लोग अडर की शुरुआत कहां से होती है और कहां तक अडर जाता है वो आप लोग सामने देख सकते हो। ले आइए जी, बांधिए, पहले ब्यांत में ब्याई हुई है, 75,000 में दी गई है आप लोगों के सामने सब कुछ। इससे आगे दूसरी गाय चला कर दिखाते हैं। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्वालिटी इसकी भी देखिए, अडर बहुत अच्छा खासा, रंग रूप कद काठ से भी काफ़ी अच्छा, और अडर की फिटिंग इसकी भी देख सकते हो। गगन जी क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई साहब दूसरे ब्यांत में बच्चा दिया अभी। हाँ जी, कब की ब्याई है भाई? भाई साहब परसों रात की ब्याई हुई है, आज तीसरे दिन है ब्याई को इसको। अच्छा, परसों रात की ब्याई। बच्चा क्या भाई? भाई साहब मेल काफ है। ओके जी। गगन जी कितनी दूध की क्षमता वाली है भाई ये? भाई साहब 25 लीटर वाली है, लेकिन 20 लीटर का बोल के दिया है। 20 गारंटी वाला रहेगा? बिल्कुल जी, रहेगा ही उसमें कोई, जिसका जो क्वालिटी है ना ये क्रॉस ब्रीड में हुआ तो क्या हुआ। हाँ, लेकिन जो इसके जो दूध की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, जो कच्चा दूध निकल रहा है जानवर का उसी पे पता लग जाता है कितना दूध मारेगी ये। सही बात है जी। हाँ जी। और गगन जी भाई ये कितने दाम में दी गई है जी? ये 65 में दी गई है। 65,000 में दोस्तों ये दी गई है आप लोगों के सामने। क्वालिटी बिल्कुल ताजी ब्याई हुई क्रॉस ब्रीड की बहुत शानदार गाय है, कोई नॉर्मल गाय हम लोग इसे नहीं बोल सकते। ले आइए भाई, बांधिए, इससे आगे तीसरी गाय चला कर दिखाइए। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और बिल्कुल ताजी ब्याई हुई गाय, काफी बड़े कद काठ वाली गाय आप लोगों के सामने है। इसके वजन की तो जरूर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी है जो आप लोगों के सामने, लेकिन एक बार ना अडर की शेप आप लोग सामने देख सकते हो, कितना परफेक्ट अडर साइज, मिल्क वेन कितनी शानदार, और पीछे से अडर की क्वालिटी देखिए कितनी परफेक्ट है। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब दूसरे ब्यांत में 4 दांत में है। 4 दांत है जी? बिल्कुल। जो आप ये बात बोल रहे हो ना कि ऊपर का थोड़ा सा सिस्टम, हाँ जो ब्रीड वाइज गाय होगी ना भाई साहब, चाहे आप ब्राजील की कहीं की भी देख लेना, वो भाई साहब ऊपर से पतली मिलेगी, जो क्वालिटी में होगी वो हाँ दमदार। ये बड़े बड़े ढोल हैं, जैसे वो बोलते हैं ना ये
थोड़ा सा अड़ियल है, थोड़ा सा सड़ा हुआ आदमी है। हाँ जी। वो बहुत अपने आप में जैसे माने कि उसको बड़ा पहलवानी की तरह होता है, जो बड़े ढोल होते हैं वो फूटने का ज्यादा चांस रहता है। अच्छा, भाई साहब ऐसा धमाका है दूध के लिए। नहीं, दूध 30 लीटर वाली गाय है। बोलना ही क्या है कि इतना बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है। परसों रात की जनी हुई है, कच्चा दूध अभी 18-19 लीटर निकल रहा है भाई साहब। पीछे भी बछी आई। अच्छा, बछड़ी पीछे। पीछे, ओके जी। इससे आगे एक और गाय मंगवाइए। इससे आगे दोस्तों चौथे नंबर पर एक और है, ये बछड़ी मैं से बोलना चाहूंगा, आप लोगों के सामने आ चुकी है। चलाते रहिए भाई। जैसे गगन जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि काफी बछड़ियां, 51 बछड़ियां इस लॉट में जा रही हैं जी, तो ये बछड़ी पहली बछड़ी आप लोगों के सामने है। पहले तो ब्रीड क्वालिटी देखिए, कद काठ रंग रूप कितना शानदार, और आगे की डिटेल जो है वो गगन जी से जानते हैं। हाँ जी गगन जी, भाई साहब 19 मंथ की है अभी, 19 महीने की। हाँ, गगन अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए इसको। दांत दिखाई दांतों में अभी उठाने वाली है, 2 दांत कंप्लीट नहीं किए इसने। अच्छा जी। और 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की गैपिन, बिल्कुल। और 2 दांत अभी प्रॉपर हुई नहीं है। सही है जी, छोड़ दीजिए, 2 दांत दोस्तों अभी होने वाली है थोड़े समय में, अभी हुई नहीं। और 6 महीने की गैपिन। गगन जी चेक पास? बिल्कुल जी, चेक पास। वैसे तो क्या है कि नीचे से एडर दिख रहा है, लेकिन फिर भी समय का मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं। बिल्कुल आपकी सही बात है भाई साहब। वो किसान आए हैं, उन्होंने डॉक्टर बुलवा के अपना चेक किया इसको। अच्छा जी, रोक लीजिए भाई एक बार यहाँ पर। गगन जी कितने दूध की आशा से दी है भाई? भाई साहब अभी तो ब्रीड वाइज की बात करें तो वहाँ पे जाके टिकने के बाद तो जो 20+ की है अभी। अच्छा, जो पीछे इसका मदर का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया था। हाँ जी, जहाँ से ये आई है। लेकिन अभी क्या आगे खाने खिलाने पे डिपेंड करता है, जानवर के रख रखाव पे करता है। गगन जी सिर्फ 20 लीटर दूध मानते हो आप इससे? भाई साहब बोलने को तो ये 51 है, इसका बोल दें 30 लीटर है। हाँ जी, तो वहाँ जाके ना निकला तो फिर बात, क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है भाई। 20 लीटर बोल के तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ना इंसाफी करे इसके साथ। अनजान आदमी के पास हथियार दिया तो वो इधर उधर भी चला सकता है ना। हाँ जी। किसान है भाई साहब, इतना ज्यादा इधर का किसान और अदर स्टेट का किसान में अंतर है। हरियाणा पंजाब का किसान बहुत आगे है, ये बात आप भी मानते हो। सही है। इधर का जो सिस्टम है वो बाहर से बहुत ज्यादा जुड़ा है, अदर कंट्री से। जैसे वहाँ की बाहर की ब्रीड है ये सभी, जो हमारे पंजाब और हरियाणा में है। अगर आपके घर पर सीधी शब्दों में बात करूंगा, ये बछड़ी आपके घर पर ब्याती है, आप कितना दूध निकालते हो? 27-28 लीटर। सही है, मैं भी इतना ही सोच रहा था भाई साहब। लेकिन हमारे तरफ से इसका अगर मैं बोलूं, इसका अब बोल दूं तो बाद में वो काटने वाली बात हो जाती है ना। सही, अदर आदमी को सोचेगा तो। भाई दाम कितने में दी गई है? 55,000 में। 55, बिल्कुल। इससे आगे एक और, इससे आगे दोस्तों दूसरी ये 51 बछड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है। चलाते रहिए भाई साहब थोड़ा थोड़ा। गगन जी डिटेल बताते जाइए भाई साहब। 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये 8 महीने की है। बिल्कुल, ये तो फिर गाय बोल सकते हैं कि बहने के नजदीक ही आ गई है ना जी। हाँ, अभी भी 2 मंथ पड़े हैं। हाँ जी, टिकट का हो जाएगा जाते जाते अभी। सही बात है जी, आगे का रिजल्ट जैसे है यहाँ पे रहा, वैसे भी बढ़िया निकलने वाला है। खाने खिलाने में एकदम बढ़िया है। सही है जी, और लुक बहुत शानदार है। ओके जी। अभी 8-7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। बाकी कुछ ना कुछ 10-15 दिन ऊपर भी ले जाती है, वही बात आ गई आपकी कि 2 महीने आराम से गुजारने वाली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके गगन जी, दूध कितना निकालेगी भाई? दूध ये हमारी तरफ से 17-18 लीटर वाली। सही बात है। तो दोस्तों आप लोगों ने एक आइडिया लगा लेना है जी, एक मेजरमेंट आप लोगों ने कर लेनी है कि कैसी क्वालिटी और कैसा कैसा दूध गगन जी बता रहे हैं। बहुत बहुत सही दाम वाला ना भाई ने दूध भी बता रहे हैं, और क्वालिटी आप लोगों के सामने ले जाइए भाई। गगन जी कितने दाम में दी गई है ये? बस ये लॉट का निकला ही 55,000 रुपए। 55,000। हाँ जी। ओके जी, इससे आगे गगन जी कुछ भैंसे दिखा दें। इससे आगे दोस्तों भैंसे आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे जो सेल के लिए अवेलेबल गगन जी के पास है। पहली भैंस सामने आ चुकी है, क्वालिटी देखते जाइए गगन जी, डिटेल बताते जाइए भाई। दूसरे ब्यांत में बच्चा दिया ये। दूसरे ब्यांत में कब की ब्याई है जी? आज 7वां दिन है। 7वां दिन ब्याई को, और दूध निकालने वाला भाई साहब इसका भी। अच्छा, बच्चा क्या जी? फीमेल काफ बढ़िया कटड़ी है जी। हाँ जी। कितने दूध वाली रहेगी गगन जी? 13-14 लीटर की भाई। 13-14 लीटर। गगन जी क्वालिटी काफी शानदार है, बात करूँ तो पतली चमड़ी वाली है। बिल्कुल, दूध वाली भैंस है जो चीज है। हाँ जी, सही है जी, बिल्कुल जी। और भाई क्या दाम कर रहे हो जी इसका? 85 जी। 85, 85,000 दोस्तों दाम रखा गया है। भैंस की क्वालिटी आप लोगों के सामने है, रंग रूप बॉडी स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख सकते हो, पीछे भी कटड़ी मिल रही है। ब्याई हुई है तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जैसे आपका दिल खुश होता है ना, आप लोग दूध निकाल कर खरीद सकते हो। 85,000 में से मान सम्मान कुछ ना कुछ गगन भाई करेंगे ही करेंगे आप लोगों के सामने। पहले भी रूटीन में वीडियोज आती रहती हैं, अच्छे दामों में सभी तरह के पशु आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। ले जाइए भाई, कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी। सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी, जैसी आप लोगों की चॉइस है ना वैसी भैंसे आप लोग यहां से खरीद सकते हो। इससे आगे दूसरी भैंस लेकर आई। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी।
गगन जी डिटेल बताते जाइए, ब्याई हुई है जी? हाँ ब्याई हुई है, दूध निकला हुआ भाई, ब्याई अच्छा, हुई दूध है। इसका निकला हुआ, कौन से ब्यांत में ब्याई है भाई? भाई से पांचवे ब्यांत में है। गगन जी मेरे 3-3.5 साल के करियर में मैं पहली बार YouTube पर पांचवे ब्यांत वाली भैंस दिखा रहा हूँ जी। भाई साहब तीसरे ब्यांत भी चल जाती, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आप तीसरा बोलने वाले। क्यों बोलेंगे भाई, जो आया है वो ही बोलेंगे ना। अच्छा, उसके बाद वो आदमी आके इधर बोले तो गलत बात है, नीचे कमेंट आते हैं वो भी गलत बात है, जो है वो बताया जाए बढ़िया है। ओके जी, पांचवे ब्यांत में कब की ब्याई है भाई? भाई पांचवा दिन आज। बच्चा क्या जी? फीमेल आई पड़िया। ओके जी, और दूध कितने वाली है भाई? दूध भाई साहब 15 लीटर वाली है। 15 लीटर दोनों समय का निकालने वाला रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या दाम भाई कर रहे हो? 75,000 रुपये। 75,000, 75,000 दोस्तों दाम रखा गया इसका। ले आइए भाई आगे को चलाते जाइए। और दोस्तों बाकी क्वालिटी आप लोगों के सामने, कोई पांचवें ब्यांत वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी शेप वाली है। इससे आगे गगन जी अंत में एक और भैंस ले आइए। इससे आगे अंत में दोस्तों आज वाली भैंसों में जो सबसे बड़ी भैंस है जी, वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। मुरा ब्रीड का एक जैसे एक जबरदस्त भैंसा होता है ना जी, उतना कद काठ है इस भैंस का। लेंथ आप लोग देख सकते हो, लंबाई कितनी है भैंस की। गगन जी डिटेल बताते जाइए भाई, क्या डिटेल है इसकी? भाई साहब दूसरे ब्यांत में बच्चा देना है। दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। हाँ जी। कितना समय पेंडिंग है भाई अभी? भाई साहब इसके 3 मंथ पड़े हैं अभी, 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है। 7.5 महीने की गैपिन है। हाँ जी, हाँ जी। गगन जी चेक पास बिल्कुल? बिल्कुल जी चेक पास है, और चेक पास आगे भी करवा के देंगे भाई। अच्छा जी, हाँ जी। और गगन जी नीचे से तो भाई कुछ भी नहीं दिखा रही है अभी। भाई साहब 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है, अभी दूध छोड़े को 20 दिन हुए है ना। अच्छा जी, हाँ जी। और आंचलों की 100% गारंटी रहेगी भाई? फुल गारंटी है भाई साहब, घर तक की। पहली बात तो ये है भाई साहब, एक ही भैंस है बाखड़ी, इसके हाँ लिए तो भाई विजिट करो सबसे बढ़िया। अपना आंचल देख के अपना खुद का घर से डॉक्टर ले आइयो, चेक करवा के बाद में लेके जाइयो। और बिल्कुल जेड ब्लैक। बिल्कुल जी। गगन जी दूध कितना देती होगी भाई जब दूध भाई बेगी? पहले ब्यांत में 14 लीटर निकला भाई। 14 ही बोलोगे आप इसका भी भाई? 14 ही बोलेंगे, 14 ही निकला है जी। अच्छा जी, रोक लीजिए भाई यहीं पर, रोक लीजिए। हाँ जी। और इस बार कितना मानते हो भाई? अभी दे देगी 18-19 लीटर लेगा। बड़े ब्रीडर का नाम लेके या बड़े इसके पापा का नाम लेके जैसे बोलते हैं, उसकी है, इसकी है, जवराज की है, स्वराज की है, तो फिर तो भाई 22-23 लीटर वाली है। अच्छा जी। अभी जो है 13-14 लीटर निकला हुआ है, अपने लोकल की भैंस है, और आगे का भगवान जाने भाई। क्या दाम कर रहे हो भाई? 85 85,000 आज का दाम। हाँ जी आज का ही, वो सर जी आज का दाम ही है, दिख ही रहा है। नहीं नहीं सही बात है गगन भाई, उसमें क्या रहता है ना कि वीडियो अपनी सालों तक YouTube पर रहेगी। बिल्कुल सही बिल्कुल, है जी बिल्कुल। कोई भाई इसको वीडियो को 2 महीने बाद देख ले, तब तक भैंस तैयार हो जाए, आपको बोले आपने 85,000 बोला था, तो फिर बाद में गड़बड़ी हो जाती है। बिल्कुल आपकी सही बात है, ये आपका रेट है 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है, चेक करवा के देंगे। सही बात है। हाँ जी। ओके जी ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे गगन जी अपने भाइयों को बुलाते हैं, चंद बातें उनके साथ। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भाइयों? बढ़िया 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 चाहिए। तो माइक आपके पास है, पहले आपके साथ बातचीत करूंगा जी। क्या शुभ नाम है सर अपना? मेरा प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश यादव हूं मैं। और प्रॉपर एड्रेस? महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके हाँ। तो बात करूं, पहली बार आए इधर गगन जी के पास या पहले भी आते? हाँ फर्स्ट टाइम आया हूं। पहली बार हाँ। कैसे संपर्क हुआ इनके साथ? यूट्यूब से संपर्क हुआ, यूट्यूब पर वीडियो देखा। हाँ। कितने दिन से इधर हो भाई आप? मैं तो 1-2 महीने से देख रहा था वीडियो। अच्छा जी, इधर आए हुए कितने दिन हो गए? इधर आए 3रा दिन है अभी आज। 3रा दिन हाँ। और कितनी गाय खरीदी सर आपने? मैंने तो अभी तक तो 5 खरीदी है, और 5 खरीदने का इरादा है, 5 अभी और खरीदेंगे। जैसे वीडियो में बातचीत करते हैं वैसे अच्छे आदमी हैं, जब कुछ ना कुछ फर्क है। हाँ वो तो है, बढ़िया आदमी। हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सर्विस भी एकदम टॉप 10 है, और जो क्वालिटी की गाय खरीदनी थी वो क्वालिटी की गाय हमको मिल गई, दिल की थोड़ी तसल्ली भी हो गई। और रहने बहने की व्यवस्था, खाना पीना एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम घर जैसा था? एकदम घर जैसा है, पूरा का पूरा घर। रहने की व्यवस्था इधर घर पर ही थी? हाँ घर में, घर पर ही है। कहने का मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं लगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मराठी में अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों को बताइए, उधर कैसा एक्सपीरियंस आपका रहने बहने का रहा? हाँ मी ज्या दिवशी इकडं निघालो त्या दिवशीपासून त्यांनी माझी पूर्ण व्यवस्था करून ठेवलेली होती। मी जेव्हा भटिंडा येणार आहे ते माझ्या अदुगर 2 तास अदुगर तिथे येऊन थांबलेली होती। तिथं आल्या क्षणी त्यांनी 4-व्हीलरने मला त्यांच्या घरी आणलं। घरी आणल्याच्या नंतर लगे आंघोळ वगैरे, लगेच चहा जेवणाची व्यवस्था सगळं कम्प्लीट करून लगेच फार्म वाईज आम्हाला घेऊन गेले, आणि आम्हाला ज्या क्वालिटीच्या गाई पाहिजे होत्या त्या क्वालिटीचे गाई त्यांनी आम्हाला मिळून दिल्या, आणि परत आणखी 1-2-3 दिवस आम्ही इथं आहोत।
ओके, जो और नया भाई आना चाहता आ जाए बेफिक्र होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत नहीं, वे फिक्र होके गगन भाई के पास ही आना, मैं अच्छा। तो ऐसा बोलूंगा। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। माइक अपने इधर वाले भाई सबको दे दीजिए, चंद बातें इनके साथ करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है जी अपना? पंडरीनाथ कदम। और आप भी औरंगाबाद के ही हो जी? मैं औरंगाबाद का ही, सिल्लोड तालुके का। अच्छा जी, हाँ। और आप पहले भी आते हो जो पहली बार आए? आप भी? नहीं, हम भी पहली बार आए, हमारे दोस्त आए थे पहले। अच्छा, उन्होंने दो बार गाया लेके गए गगन भाई के पास ही। उन्होंने बताया गगन जी के बारे में? हाँ, उन्होंने हमको सब डिटेल में बताया। जैसा बताया था वैसा ही आदमी है या कुछ ना कुछ अच्छा बुरा उससे है? नहीं, सब अच्छा है। अच्छा, जैसा बताया उससे भी अच्छा है। अच्छी बात है। हाँ, और आपने कितने एनिमल टोटल खरीदे? हमने 10 खरीदे पूरी। ओके, हाँ। और आपका सिस्टम आपको कैसा लगा, गाय दिलवाते वक्त, सौदा करते वक्त कैसा दाम लगाते थे, कैसा वो अपने भाइयों को थोड़ा बताइए जी। अपन गाय अपने हिसाब से पसंद करते और गगन भाई सौदा करके बराबर अपने हिसाब से अपने को गाय दिलवा देती। दाम आपके अनुसार ही लगाते थे? आप में अपने अंडर में रहती दाम बराबर। ओके, हाँ हाँ। और आप क्या बोलना चाहोगे नए भाई जो वीडियो देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इधर पंजाब में? मैं तो ये संगीन लोकायला महाराष्ट्र चलो कहला कि बा तुम्हें जवाब ही नहीं, तुम्हारा तुम्हें सरल गगन भाई चलो या डेयरी फार्मर सगड़ी व्यवस्था रहायची खायाची पियाची सगड़ी व्यवस्था करते हैं, जवाची झोपाची व्यवस्था व्यवस्थित सकाळी मार्केट रहते मंडी मोठी फार्मर घेऊन जात्या आपल्याला ज्या क्वालिटीच्या गाई पाहिजे त्या गगन भाई आपल्याला मिळवून देत्या। ओके जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी भाइयों के साथ बातचीत करके, और यही उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम गगन जी के साथ ऐसे ही रहे और दोबारा दोबारा आपके साथ मुलाकात होती रहे। ठीक है, माइक दे दीजिए गगन जी। गगन जी, कस्टमर काफ़ी खुश हैं, अगर साफ सुथरा काम करेंगे तो कस्टमर मेरे हिसाब से हमेशा ऐसे ही खुश होकर ही जाएंगे। बिल्कुल जी, सही है जी। बिल्कुल जी, अभी इनको आए अभी 2 दिन पहले का। हाँ जी, लेकिन आने के बाद थकावट हुई, मैंने तो कहा रेस्ट कर लो। हाँ जी, लेकिन नहीं, लोकल का देखना है, घूमना है, तो हम खूब घूमे भी हैं, कम से कम 200-250 किलोमीटर फार्म में भी गए, जैसे किसान के पास थी किसान के पास भी गए, थोड़ा सा उससे हटके भी कुछ दिखा तो वो लोकल में, ठीक है। बाकी बाज़ार में तो रहता, आपको पता ही है, एक से बढ़कर एक क्वालिटी आती है। ये जो बाज़ार का जानवर है थोड़ी थकावट महसूस करता है, इसलिए इसको लोडिंग में दिक्कत आती है, और आज इनका 2 दिन का रेस्ट होने के बाद शाम को लोडिंग है। ओके जी, अंत में प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार रिपीट करें। प्रॉपर एड्रेस विलेज राजपुरा माहिरा, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है जी। मोबाइल नंबर 9466028782। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बात करके।